वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेज में आज भी पांच इडियम्स और फ्रेजेज प्रस्तुत है आप सबके लिए। आज पांच शुरू करने से पहले जो लास्ट वीडियो था इडियम्स एंड फ्रेजेज का, उसके पांच को रिवाइज करते हैं फटाफट। पहला था मेडन नेम, विवाह से पहले का नाम। दूसरा, मैन इन द स्ट्रीट, साधारण आदमी। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, अनुचित रूप से। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नजर। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, एक तरह के लोग। आज जो पांच है उसमें पहला है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप की हिंदी होती है नीच व्यक्ति। दूसरा, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी की हिंदी दो है, अधूरा अध्ययन तथा अर्ध जागृत अवस्था का स्वप्न। फिर है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड की हिंदी है कायर। देन क्लोज फिस्टेड, हिंदी है कंजूस। फिर है कॉक एंड बोल स्टोरी, हिंदी है अविश्वसनीय बात। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? शिप तो हमने देखा है, लेकिन ब्लैक शिप बहुत ही कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोगों में एक दो लोग अच्छे नहीं होते हैं, नीच प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसलिए वहां से ही बन गया है, ब्लैक शिप से ही बन गया है ब्लैक शिप एक प्रोब एक इडियम, और इसकी हिंदी हो जाती है नीच व्यक्ति। देयर आर ब्लैक शिप एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार के सभी भागों में नीच व्यक्ति हैं। संसार के सभी भागों में नीच व्यक्ति हैं। शिप का पुलिंग नहीं होता है, शिप का पुलिंग शिप शिप ही चलता है, इसलिए देयर आर ब्लैक शिप्स नहीं किया है, शिप ही किया है। और दूसरा, इडियम्स में आप कहीं बदलाव नहीं करते, जो है उसे ही लिखना पड़ता है। तो पहला हो गया ब्लैक शिप, नीच व्यक्ति। दूसरा है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का दो मीनिंग, पहला अधूरा अध्ययन। अधूरा अध्ययन क्या होता है? जैसे अभी ऑनलाइन स्टडी चल रहा है, तो ऑनलाइन स्टडीज में ज्वाइन करने के बाद बच्चे दूसरा विंडो खोलकर कुछ और करते हैं, गेम देखते हैं, यूट्यूब पे कुछ देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, चैट करते रहते हैं। तो यह सब जो ठीक से नहीं पढ़ना होता है, इसे कहते हैं अधूरा अध्ययन, और इंग्लिश है ब्राउन स्टडी। दूसरा भी हो सकता है कि टीचर आपको क्लास में टीच कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका ध्यान पढ़ाई पर न होकर कहीं और है, उसे भी कहेंगे अधूरा अध्ययन। हिंदी से स्पष्ट है कि अध्ययन जहां पर मन लगाकर नहीं कर रहे हैं या कोई कर रही है, तो बोलते हैं अधूरा अध्ययन, ब्राउन स्टडी। आप इसको भी यूज कर सकते हैं डेली के यूज में। फिर है एक अर्ध जागृत अवस्था का स्वप्न। इसको करने से पहले अधूरा अध्ययन का सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर सॉ राम इन अ ब्राउन स्टडी, टीचर ने राम को ब्राउन स्टडी में देखा, अधूरा अध्ययन करते हुए देखा। यह एक तो हो गया ब्राउन स्टडी का। दूसरा, अर्ध जागृत अवस्था का स्वप्न। अब ये क्या है? तो जब हम सोते रहते हैं, जागते रहते हैं, बीच की स्थिति होती है हमारी, उस वक्त का जो स्वप्न होता है उसे बोलते हैं अर्ध जागृत अवस्था का स्वप्न। रोहन वेंट टू बेड, रोहन बेड पे गया, एंड फेल इनटू अ ब्राउन स्टडी, और अर्ध जागृत अवस्था का स्वप्न में वो चला गया, मतलब बेड पे गया और उसको स्वप्न आना शुरू हो गया, तो इसको कहते हैं ब्राउन स्टडी। नाउ अनदर वन इज चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है? देखिए, हार्ट जितना बड़ा हो उतना ही आदमी उतना ही अधिक उसमें होता है हिम्मत, लेकिन चिकन का हार्ट कितना बड़ा होता होगा? तो इसलिए चिकन हार्टेड मतलब छोटा हृदय वाला, मतलब क्या? कायर, आप इसको डरपोक भी कह सकते हैं। तो जो चिकन हार्टेड कहेंगे कि वो स्वयं सोई चिकन हार्टेड, मतलब क्या है? कायर है, डरपोक है, समस्या देखकर भाग जाने वाला है, उसे कहेंगे हम चिकन हार्टेड। तो चिकन हार्टेड क्यों बना? कि छोटा सा हार्ट होता है, इसलिए उसको करके चिकन हार्टेड बन गया। अ चिकन हार्टेड पर्सन फिक्सेस नो एम, मतलब डरपोक आदमी चाहे कायर आदमी फिक्सेस नो एम, कोई भी उद्देश्य लक्ष्य तय नहीं करता है। जो डरपोक होता है वो कोई लक्ष्य तय नहीं करता है। आगे क्लोज फिस्टेड मतलब कंजूस। हमने देखा है कंजूस की इंग्लिश भी देखा है, जब हम वन वर्ड देख रहे थे वहां पे माइजर। माइजर क्या होता है? पर्सन हु स्टार्व्स हिमसेल्फ। तो जो
स्टार्व्स हिमसेल्फ फॉर सेक ऑफ मनी, पैसा बचाने के लिए वो अपने आप को भूखा मार देता है, अपने परिवार को भूखा मार देता है, उसे क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं, माइजर कहते हैं। और माइजर के लिए एक सिनोनिम मिल गया आपके पास, यह है क्लोज फिस्टेड। अ क्लोज फिस्टेड मैन इज नॉट हैप्पी, कंजूस आदमी प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। नाउ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक मतलब मुर्गा, बुल मतलब बैल या सांड। तो मुर्गा और बैल सांड की स्टोरी, तो मुर्गा बात नहीं कर सकता, बैल सांड बात नहीं करती, स्टोरी कैसे बनेगी? ये सब झूठी स्टोरी होती है, काल्पनिक होती है, अविश्वसनीय होती है, इसलिए अविश्वसनीय बात को कहा जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी। दैट घोस्ट एग्जिस्ट इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यह कि भूत होता है, यह एक अविश्वसनीय बात है। तो इस तरह से पांच हमने देखा आज, ब्लैक शिप नीच व्यक्ति, ब्राउन स्टडी अधूरा अध्ययन, अर्ध जागृत अवस्था का स्वप्न, चिकन हार्टेड कायर, क्लोज फिस्टेड कंजूस, कॉक एंड बुल स्टोरी अविश्वसनीय। ध्यान रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न इडियम्स या फ्रेजेस से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने रिवीजन में भी यहाँ पे साइड में रखा कि आप जो पढ़े हैं उसे भी ना भूलिए, और इस तरह से हम आगे भी जारी रखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।